बीते कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन अस्पताल की अभी तक किसी को नहीं पड़ी है जरूरत। अफवाहों से बचें। डीएम गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई। जनपद गौतम बुद्ध नगर में इधर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो गया है। बीते दिनों से लगातार स्कूली बच्चे कोविड की चपेट में आ रहे हैं। डीएम सुहास एलवाई ने आज इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना के केस तो बढ़े हैं, इससे हम नकार नहीं सकते, लेकिन अभी तक एक भी कोरोना मरीज को अस्पताल या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, जिसके चलते हम अपील करना चाहते हैं, कोई ना तो भ्रम पैदा करे ना ही अफवाहों को माने। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कुल 76 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि बीते 24 घंटे में 14 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिले में अब तक कुल 98,978 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं कुल 98,208 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल 280 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 490 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। सभी स्कूलों को हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1800041911, 1800041922111। आज की तारीख में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कंट्रोल रूम के नंबर्स सबको दिया गया है, 1800 419 22 11, 1800041922111 जो हमारे कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे काम करती है। सारे स्कूल्स को दिया गया है, सारे इंस्टीट्यूशंस के पास वो कंट्रोल रूम नंबर दिया गया है। ऑफिसर्स हो तो इसके लिए यहाँ जनपद स्तर पे चिकित्सा विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों की कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए उसको रैंडम चेकिंग के लिए समिति बनाई गई है। परंतु मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि ये फाइनली, क्योंकि यहाँ इतने, अगर आप यहाँ फैक्ट्रीज की संख्या लें 15,000, तो यहाँ छोटे बड़े इंडस्ट्री लेके इतनी इंडस्ट्री है, 2,000 तो स्कूल कॉलेज है, इतनी जब हज़ारों संख्या में रहती है तो ये समाज को भी, जो भी उसके मैनेजर्स हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस के इंचार्ज हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। परंतु जो आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से रैंडम चेकिंग के लिए और इसकी वेरिफिकेशन के लिए कॉल सेंटर से वेरिफिकेशन के लिए समिति बनाई गई है, वो निरंतर अपनी काम करती रहेगी। अधिकारी द्वारा चिकित्सा विभाग की कंट्रोल रूम और इनकी जो डॉक्टर्स की जो नंबर्स है वो जारी किया गया है, और वो जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूल्स को दिया भी गया है। खासतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स है जिसमें कुछ केसेस आई थी या अगर आने वाले दिनों में अगर आएगी उसके लिए, ताकि अगर जो भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश चाहिए या कोई सूचना चाहिए वो उसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। कोई समाज में किसी भी गतिविधि के बारे में, क्योंकि हम लोग अनलॉकडाउन कर चुके हैं और बहुत मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं, और आंकड़े आपके साथ में है, सामने हैं, ओवरऑल NCR में कुछ हद तक पॉजिटिविटी दर ज़रूर वृद्धि हुई है, परंतु समाज में कोई भी एज सच कोई हॉस्पिटलाइजेशन में इंक्रीज या कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है। इसमें 14 से 17 का लगभग 84% जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुकी है, और 12 से 14 का वैक्सीनेशन जिन जिन का बचा हुआ है, लगभग 49% आज की तारीख में वैक्सीनेशन फिगर है, उनकी भी वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूल्स को और उनके पेरेंट्स को उनसे अनुरोध किया जा रहा है। और जो कोविड केसेस अभी जो निकल के आ रही है उनकी जीन सीक्वेंसिंग के लिए भी टीम्स, ये वो हमारे जो CSIR और NCDC के लिए जो जाती है, कोविड की जो सैंपल्स जाती है तो वो भेजी जा रही है, ताकि ये वेरिएंट के बारे में हम लोग जानकारी कर सकें। आपको देखेंगे, हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग होती है, जिम्स में टेस्टिंग होती है, उसमें जैसे हम जिम्स की हमें आंकड़ा ले रहे थे, लगभग दो दिन से मैं मोटा मोटी आंकड़ा दे रहा हूँ, लगभग अगर 1,000 टेस्टिंग हुई है उसमें 1,000 टेस्टिंग में सिर्फ 10 केसेस लगभग पॉजिटिव आई है, तो जिसकी पॉजिटिविटी रेट तो आपकी कितना 0.1% हुई होगी, बट वही कि इसका मतलब कि जो जनरल समाज में जो पॉजिटिविटी दर है वृद्धि नहीं है, पर लगभग 0.2 से 0.3% पॉजिटिविटी रही है। इस महीने भी, अप्रैल में भी, विगत 4 दिन का भी पॉजिटिविटी रेट जो पब्लिक लैब की है वो 0.2 से 0.3% के बीच में ही है, और जो प्राइवेट लैब की जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो तब होती है कि जब
पर्टिकुलर लोग जिनको सिम्टम्स है वो जब टेस्टिंग कराते हैं तो जब सर्वेलेंस के माध्यम से उनको अनुरोध किया जाता है टेस्टिंग कराने के लिए। अतः ओवरऑल कोई कोविड केसेस पॉजिटिविटी में समाज में कोई वृद्धि नहीं है। जैसे मैंने कहा आज की तारीख में कोई भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है, अतः अननेसेसरली कोई भी गतिविधि के बारे में एक समाज में जो गलत आंकड़ों के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही हो, और गौतम बुद्ध नगर में ही टोटल स्कूल्स की अगर आपको बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल 570 है और 1450 प्राइवेट स्कूल कॉलेज मिला के हम संख्या बता रहे हैं, लगभग 2000 स्कूल कॉलेज हैं। तो एक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसे केसेस या आउटब्रेक निकल के नहीं आई है, और अधिकांश प्राइवेट स्कूल्स में भी कोई समस्या नहीं आई है। क्योंकि विगत कुछ दिनों में कुछ स्कूल्स में जो कोविड केसेस आई है उसको लेके जो अननेसेसरी जो समाज में एक तरह से कई मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है उसके बारे में आपके सामने जो चिकित्सकीय आंकड़ा है उसको रखना ज़रूरी है। ऐसे कोई समस्याएं नहीं आई है, तो इसलिए स्कूल को दो गाइडलाइन दी गई है। एक तो जो सिम्टोमेटिक अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल ना आने दिया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए, और दूसरा हेल्प डेस्क स्थापित हो, स्कूल हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और सीएमओ साहब के द्वारा अगर कोई स्पेसिफिक स्कूल को कोई जिज्ञासा रहती है तो सीएमओ साहब के द्वारा हेल्पलाइन दी गई है तो उनको वो गाइडलाइन जारी करेंगे। इंडिविजुअल स्कूल्स के लिए सैनिटाइजेशन की ज़रूरत हो अथवा अन्य कोई कदम उठाने की ज़रूरत हो तो सीएमओ द्वारा केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। बाकी जो जनरल, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ 2000 स्कूल्स में आप दो स्कूल, तीन स्कूल, चार स्कूल को लेके हमें कोई ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन पहले भारत सरकार के निर्देश के क्रम में वैक्सीनेशन शुरू की गई थी, तो उनको प्रथम डोज, दूसरी डोज वो हम लोग लगाए। उसके बाद खोला गया, आप जानते हैं आयु वर्ग कम किया गया, जो 15 से जो 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनको वैक्सीनेशन दूसरे चरण में शुरू हुआ। जो उनके सीएमएस है डॉक्टर डीके सिंह, उनके साथ इसके बारे में जो आपने बताया इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। आप देखेंगे कोविड की वजह से जो भी केसेस आइडेंटिफाइड हुई है तो इन बच्चों में एक भी केस में अभी तक लंग्स अफेक्ट नहीं हुई है। अतः आज की तारीख में इन बच्चों को कोविड की स्पेसिफिक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, परंतु ये एक हम लोग शासन के निर्देश है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है, प्रत्येक जो केस आइडेंटिफाई होता है उसमें जो कॉल सेंटर के माध्यम से निरंतर निगरानी रखे, अगर कहीं भी कोई ज़रूरत होगी तो वो जो आवश्यकता पड़ने पर जो कार्रवाई करनी है तो हमें जो प्रिकॉशनरी कार्रवाई करनी है वो हम लोग ज़रूर करेंगे।